देश में कोरोना मरीजों की संख्या 31,332 तक पहुंची। कल से अब तक 1,953 नए मामले, 24 घंटे में कोरोना ने ली 71 लोगों की जान, मौत का कुल आंकड़ा 1,000 के पार। महाराष्ट्र में 10,000 के करीब पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, तो गुजरात में बीमारों की संख्या 4,000 पार। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 3,439। कल से अब तक 125 नए मामले। लॉकडाउन में फंसे लोगों को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, शर्तों के साथ घर लौटने की मिली इजाजत। प्रवासी मजदूरों, छात्रों, सैलानी और तीर्थयात्रियों को गृह मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देश, तो मजदूरों को लाने पर बोले गहलोत, ट्रेन को मंजूरी दे सरकार, उसके बिना संभव नहीं लाखों लोगों का लाना। व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी को किया अनफॉलो, राहुल बोले मामले को उठाए विदेश मंत्रालय। व्हाइट हाउस द्वारा पीएम और राष्ट्रपति को अनफॉलो करने से है निराश, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस ने पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किया है अनफॉलो। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की सीमा 2 महीने बढ़ाई, अब जून तक जारी रहेगी प्रक्रिया। SBI ने बैंक ग्राहकों के लिए शुरू की 45 मिनट में पर्सनल लोन की सुविधा, 10.5% ब्याज दर पर मिलेगा लोन, 6 महीने बाद शुरू होगी EMI। तो अमेजन ने भारत में लॉन्च किया पे लेटर, 0% पर EMI में प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मिलेगा कर्ज। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के अस्पताल में भर्ती। ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित हैं और उन्हें सांस लेने में हो रही है समस्या। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत चल रही थी खराब। ऋषि कपूर पिछले साल सितंबर में अमेरिका से लौटे थे भारत।